असलम सो वी गोइंग टू स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर थ्री ऑफ गाइडन अच्छा इसका नाम है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन अब इसमें मेनली हमने जीन्स के बारे में पढ़ना है कि जीन्स प्रोटीन को किस तरह बनाती हैं अब जहाँ पे जीन्स का नाम आ जाए ना तो वो ऐसे लगता है कि बहुत ही मुश्किल चीज़ आए लगी और पता नहीं क्या होगा इसके तो ये बेसिकली इट्स वेरी ईजी But, इसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बन जाता है ओके लेट्स ट्राई टू डू इट इन अ सिंपलर वे ओके ना बेसिकली हमने पढ़ना इसमें यह है कि प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है ठीक है अब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बेसिकली डीएनए को पहले आरएनए बनाना है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद आरएनए ने प्रोटीन फॉर्मेशन कर देनी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ठीक है अब डीएनए के अंदर होता है जेनेटिक कोड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स और वो ट्रांसक्राइब हो जाता है इनटू आरएनए और आरएनए उस कोड को फिर कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोटीन फॉर्मेशन अब सारा प्रोसेस किस तरह होता है वो हमने इसके अंदर पढ़ना है। अच्छा नंबर वन जीन एक्सप्रेशन क्या होता है वट इज जीन एक्सप्रेशन जीन को एक्सप्रेस करना जीन एक्सप्रेस किस तरह करती है अपने आप को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन सो द कॉम्बिनेशन ऑफ या पूरा प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाती है और ट्रांसलेशन भी आ जाती है उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए ट्रांसक्रिप्शन एंड द फॉर्मेशन एंड वट इज ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आर एन ए आर एन ए जो कोड लाया है उस कोड की हेल्प से प्रोटीन की फॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन और इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन अब जीन क्या होती है जी अब जीन इज बेसिकली दिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटरी अच्छा ये तो बड़ी डेफिनेशन सी हो गई है बट बेसिकली जीन्स इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं अच्छा वो क्या है हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे अब जीन्स डिफाइन करेंगी जीन्स डिफाइन करेंगी कि कौन सी प्रोटीन बनेगी ठीक है अब हमारे पास टोटल बॉडी में थ्री अराउंड थ्री अराउंड थर्टी थाउजेंड जीन्स हैं थर्टी थाउजेंड डिफरेंट जीन्स मेक अराउंड वन हंड्रेड थाउजेंड डिफरेंट प्रोटीन्स यानी कि तीस हजार जीन्स हैं और वो आ, किसी डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होती हैं और वो अराउंड एक लाख अपने से थ्री टाइम ज्यादा तीन गुना ज्यादा प्रोटीन्स बना देती हैं ठीक है अच्छा अब होता क्या है सारी गाइटन की डायग्राम्स ही हैं जिनको हमने रिसन की डायग्राम है जिनको हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में ना वट है न्यूक्लियस के अंदर डी एन ए होता है डबल स्टैंडर्ड वो ट्रांसक्रिप्शन होती है और वो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए में कन्वर्ट हो जाता है अब उस आर एन ए को हम जरा सेट वट करते हैं उसकी स्प्लाइसिंग करके उसको उसकी जरा कांटी छांटी करते हैं ठीक है और हमारे पास एक आर एन ए आ जाता है विच इज बेसिकली दैसेंजर आर एन ए है? जो आर एन ए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फॉर्मेशन का मैसेज लेके जाता है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आर ये ए बना उसकी स्पाइसिंग हुई सेटवेट हुआ और ये जनाब ये पिंक कलर में मैसेंजर आर बाहर आ गया अब ये मैसेंजर आर बेसिकली जाएगा राइबोसोम्स के ऊपर दीज येलो कलर आर राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स हैं के ऊपर ये मैसेंजर आर जाएगा और वहां पर बैठ के ये प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू कर देगा दिस ऑरेंज कलर इज़ प्रोटीन मैसेंजर आर एन राइबोसोम पर बैठा और प्रोटीन फॉर्मेशन कर दी और दिस इज प्रोटीन तो ये तो होगी ट्रांसक्रिप्शन और ये मैसेंजर आर एन ने जो ने जो प्रोटीन बनाई राइबोसोम के ऊपर बैठ के वो है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ठीक हो गया तो ये सिंपल सा प्रोसेस था अब इनकी एक एक चंक की हम आगे डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये सारा चक्कर क्या है सो दिस इज एट अब ये जो सारी डायग्राम है ना ये सारी स्लाइड भी हमने डिस्कस करना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डीएनए से आरएनए बनेगा किस तरह ठीक है वट इज न्यूक्लियोटाइड व्हाट आर बेसिस व्हाट इज कोडोन what is promoter what is chain terminating sequence yes sorry basic concepts is slide -way. inshallah we'll cover okay now starting towards diagram uh different parts could we'll discuss so first you have just to focus up till here i'm covering the rest of the diagram Okay i am confused now okay now what is this डीएनए जो होता है ना ये तीन चीजों से मिलकर बनता है फॉस्फोरिक एसिड डी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अच्छा ये तीन चीजें हैं जनाब नंबर वन इज फॉस्फोरिक एसिड दिस पी इज फॉर फॉस्फोरिक एसिड डी ऑक्सीराइबो शुगर दिस डी इज फॉर डी ऑक्सीराइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस और ये फॉस फोरिक एसिड और डी के साथ यहां पे नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, ठीक है और ये जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जो कि ये मैंने ग्रीन बॉक्स में बनाया ये ग्रीन बॉक्स में बनाया ठीक है ठीके? दिस इज न्यूक्लियोटाइड सो दिस ग्रीन बॉक्स इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड अब क्या है जनाब कि ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट अदर न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर डीएनए को बना देंगे ठीक है तो बेसिक डीएनए के कंपोनेंट्स में यही तीन चीजें आती हैं और ये तीन चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह के बॉक्सेस ये एक बॉक्स बन जाएगा देखो ये भी फॉस्फोरिक एसिड है ये भी डीऑक्सीराइबोज है और ये एक शुगर है ये फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबोज ये एक शुगर अब ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स इन्होंने बना के आपस में जुड़ जोड़ के एक दूसरे के साथ एक स्ट्रैंड या एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना दी है तो ये तो इसका एक स्ट्रैंड ऐसे बन जाएगा ठीक है अगर हम उसको ऊपर से यहां से कवर कर दें तो इट्स लाइक दिस सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंड ये न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया मगर डीएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता ही नहीं है डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड ओके डीएनए इज डबल स्टैंड अच्छा जी डबल स्टैंडर्ड किस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर फिर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि लेट मी सेंटर ऑफ द स्लाइड ओके अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है डीएनए का ये एक डबल स्ट्रैंड है यानी कि एक स्ट्रैंड ये है और अगला स्ट्रैंड ये है अब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे वाइंड हुए होते हैं एक स्ट्रैंड पिंक है और दूसरा स्ट्रैंड ग्रीन है इनटू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक है अब ये एक्सट्रैंड हो गया ये एक्सटैंड हो गया अब ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये एक बॉन्ड है ये बॉन्ड का क्या नाम है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कौन जोड़ के रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक हो गया अच्छा कमिंग फोर्ट द नेक्स्ट थिंग के अब मैंने जिक्र किया था कि फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबोस के साथ एक नाइट्रोजनस बेस भी है तो नाइट्रोजनस बेस तो यहां पे ए लिखी है जी लिखी है टी लिखी है सी लिखी है So, there are four basically two different classes of nitrogenous bases. One is purine and the other one is pyrimidine. Okay, one is purine and the other one is pyrimidine. Now, purines are two purines adenine, A, and guanine. Adenine and guanine. And pyrimidine are two. Thiamidine and cytosine. सो ए जी टी एंड सी अब हमेशा ये होगा कि प्योरीन ऑफ वन साइड विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द दायरामिडीन ऑफ द अदर साइड ये देखें यहां पे एडनीन ने जो कि एक प्योरीन है ने टी विच इज अ इसके साथ बॉन्ड बनाया और यहां पे भी गुआनी ने साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस ए बाइंड विथ टी एंड जी बाइंड विथ सी ओके सो इसका एट जी सी इस तरह ये नमोने का इसका आप याद रख सकते हैं और एट गवर्नमेंट कॉलेज सो so, बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके ओके सो ये तो स्ट्रक्चर हो गया है डी का

दूसरा फर्क यह है कि उसके अंदर ही जो शुगर है ना जो यहां पर डी ऑक्सीराइबोज सॉरी ऑक्सीराइबो शुगर है उसमें डी ऑक्सीराइबो की बजाय शुगर होती है सिर्फ ओके okay? डी ऑक्सीराइबोज की राइबोज शुगर होती है तो जब आर एन ए की हम स्ट्रैंड बनाएंगे तो यहां डी की बजाय सिंपली आर लिख देंगे हम ठीक है अच्छा राइबोज शुगर और डी ऑक्सीराइबो शुगर में क्या फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क है और कोई फर्क नहीं है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का फर्क है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बेसिकली ये वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड करता है ठीक है और उन अमाइनो एसिड्स को पकड़ के प्रोटीन बना देता है ओके okay? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सिर्फ फर्क है अच्छा तीसरा फर्क इनके दरमियान ये है कि बाकी सारी नाइट्रोजनस बेसिस तो सिमिलर हैं डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक का फर्क है आर एन ए में थाइमिन की बजाय यूरेसिल होती है टी की बजाय यू आ जाएगा इन द केस और वो एडेनिन के साथ यूरेसिल बाइंड करेगा ऑफ ऑफमीन ओके सो दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आर एन ए अब हमने जनाब इस डी एन ए से बनाना है आर एन ए हमने इस डी एन ए से बनाना है आर एन ए ओके अब ये नीचे वाली स्लाइड तो ऊपर वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था अभी नीचे वाले पार्ट पे हम आते हैं हमारे ठीक अब हमने क्या करना है जब ये डीएनए है और इस डीएनए से हमने आर बनाना है तो सब तो किस तरह बनता है कि इसके जो दो स्ट्रेंड्स है ना वो दो स्ट्रेंड्स अलहदा हो जाएंगे दो स्ट्रेंड्स अलहदा हो जाएंगे और ये जो सीक्वेंस है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस इनके काउंटर पार्ट आर एन ए के न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हो जाएंगे दोनों चेन्स के साथ यानी कि अनजिप होगा इनके बॉन्ड्स खत्म होंगे दोनों चेन्स के और दोनों चेन्स विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए और वो किस तरह होगा जनाब वो ऐसे होगा कि अगर हम इसकी ऊपर वाली चेन को अलहदा कर दें जस्ट लाइक दिस तो ये इसकी ऊपर वाली चेन होगी ठीक है अगर आप गौर करें तो ये डीएनए की सिंगल चेन नीचे वाली चेन को हमने गायब कर दिया और ये ऊपर वाली चेन को हमने यहाँ पे बना दिया ओके सेम टी, टी 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 सी तो ये ऊपर वाली चेन है ए जी ए ठीक है तो ये सेम ऊपर वाली चेन है और इस नीचे को हमने तोड़ दिया अब इस चेन के साथ हमने यहां पे एक आर की चेन ऐसे बना देनी है और वहां पे आर के न्यूक्लियोटाइड्स लगाए जाने और जब सारी सीक्वेंस बन जाएगा आर एन ए की का फिर ये आर एन ए फ स्पेन एन आर तो ये आर फिर डिटैच होकर आगे निकल जाएगा अपनी मंजिल की तरफ में डूथी ठीक है अब ये आर की यहां चेन किस तरह बनेगी आर एन ए की चेन बनाने के लिए हमें चाहिए जनाब आर एन ए के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का जो पूरी चेन किस तरह डीएनए न्यूक्लियो डीएनए आर एन ए की चेन बनेगी आर एन ए के न्यूक्लियोटाइड से और आर एन ए के न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या फर्क है सिंपली एक राइबोस शुगर का तो सेम पी डी और ये जो ए है इसकी जगह है, डी ऑक्सी राइबोस की जगह अगर मैं आर लगा दूं ये डी बजाय कि डीऑक्सी राइबो शुगर की जो राइबो शुगर लगा दो तो ये वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ऑफ आर एन ए सो ये जनाब है आर एन ए का न्यूक्लियोटाइड ठीक है दिस वन इज़ दी न्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्रीन में जो शो हुआ है ये पी uh, फॉस्फेट e so, ये आर एज राइबो शुगर एंड ए दी नाइट्रोजन विच इज एडेनिन तो ये न्यूक्लियोटाइड है आर एन ए का ठीक है अब ये क्या करेगा जनाब यहां पे जो पहली साइट एक्सपोज हुई है उसमें बेस कौन सी है टी है नाइट्रोजनस बेस एंड टी ऑफ डीएनए. टी ऑफ़ डीएनए विल ऑलवेज कंबाइन विद द ए ऑफ़ आरएनए. ठीक है? तो वहां से क्या होगा जनाब जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड है जो आर न्यूक्लियोटाइड है वो उड़ता हुआ आएगा और इस टी के साथ यानी कि थायमीन ऑफ डीएनए की चेन विल बी अटैच्ड विद एडनीन ऑफ आर एन ए न्यूक्लियोटाइड और ये उसके साथ अटैच हो जाएगा और इसी तरह फिर अटैच हो अगला आएगा ब्लॉक वो अटैच हो जाएगा अगला होगा वो अटैच होगा अगला होगा वो अटैच होगा और पूरी इस तरह चेन बन जाएगी अच्छा मगर ये न्यूक्लियोटाइड इसी तरह नहीं अटैच होता इसको ये अटैचमेंट के लिए और ये प्रोसेस शुरू करने के लिए आर एन ए न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेशन की जरूरत है आर एन ए न्यूक्लियोटाइड नीड्स एक्टिवेशन और वो एक्टिवेशन किस तरह होती है कि जब हम इसके फॉस्फोरिक एसिड के साथ दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच कर दें जब हम आर एन ए न्यूक्लियोटाइड के साथ दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच कर देंगे तो इस आर एन ए न्यूक्लियोटाइड की एक्टिवेशन हो जाएगी और जब एक्टिवेशन होगी तो ये आगे जनाब साहब ये डी एन ए के कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हो जाएंगे ठीक है अच्छा ये एक्टिवेशन कौन कराता है ये तो एक्टिवेशन के लिए कोई एंजाइम होना चाहिए सो दैट एंजाइम इज आर एन ए

बेस तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मान के ठीक हो गया अब ये अपनी जगह पे हो जाएगा अब इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा इससे अगली पोजीशन वाला उड़ता हुआ वो उसे भी आर एन ए पॉलीमेरेज इसी तरह एक्टिवेट करेगा और वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा नाउ सपोज कि जो अगला आना था वो अगला ये है और पहले वाला न्यूक्लियोटाइड ये था फॉर स ये न्यूक्लियोटाइड मूव करके आगे चला गया ठीक है और इससे पहले वाला न्यूक्लियोटाइड था कौन सा जिसकी नाइट्रोजन बेस बेस है, base है guanine, which is attached to cytosine. Okay? तो इनके दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है अब जनाब ये नया जो न्यूक्लियोटाइड आया है वो पहले से एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड चेन बेसिकली पहले से बन रही है ठीक है तो अब ये इसके साथ क्या होगा कि पहले तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे मगर अब ये यहां पे क्या करेगा ये यहां पे फॉस्फोरिक एसिड ऑफ वन आर एन न्यूक्लियोटाइड विल बी अटैच विद राइबोज शुगर ऑफ द एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड इन द नेक्स्ट स्टेप जिस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ इसने बॉन्ड बना लिए और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बट दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड जो आगे सारे बने हुए हैं हर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं हर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ठीक है तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों का बन जाएगा और हां जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो फिर ये अपने दोनों फॉस्फेट साहब को रिलीज कर देगा कि जाओ भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया शाबाश निकल जाओ ठीक तो ये एक्टिवेशन हुई थी दो फॉस्फेट लग के फिर ये आके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस के साथ अटैच हो गया था टू हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद ये एडजस्टेंट आर एन न्यूक्लियोटाइड के साथ आ, राइबोज और एसिड इनका आपस में बॉन्ड हुआ है बना है और उसके बाद ये फॉस्फेट टूट गया और देखें आगे आपको कहीं फॉस्फेट टू फॉस्फेट बॉन्ड्स नजर नहीं आ रहे और ये सारा सारी कारिस्तानी कौन करा रहा है आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेशन ऑफ आर और उसके बाद ये देखो ये ये पूरा ब्लू कलर में आर पॉलीमरेज है जिसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है ठीक गया अच्छा अब अब से बेसिकली अगर आप ये देखें तो मैंने तो यहां से स्टोरी शुरू की थी ये यह स्टोरी यहां से शुरू हुई थी ये पहला बना था ये पहला, बना था।, गौनी, आ, गौनी के गेन्स, पहला बना था और करते, 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 बनते गए। अच्छा जहां से कहानी शुरू होगी जिस यानी कि यहां से कहानी शुरू हुई थी और फिर ये इस तरह मूव करो की डायरेक्शन देखें आप इस तरह मूव कर रहे बनी जा रहे बनी जा रहे बनी जा रहे तो जहां से शुरू हुई थी वो रीजन जो होता है वो होता है प्रोमोटर रीजन प्रोमोटर डीएनए का ही एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती हैं जो के ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करेंगी तो उस रीजन को जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करेगा उस रीजन को हम प्रोमोटर कहते हैं और जहां से ये नई चेन बननी शुरू होती है उसके स्टार्ट में प्रोमोटर लगा होगा प्र, प्रोमोटर लगा होगा तो फिर प्रोमोशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इसी तरह जो यहां पे ये जी जी सी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो ये एक प्रोमोटर रीजन है ठीक है तो जिस तरह प्रोमोटर करना है उस तरह हमने क्या सारी पूरी डीएनए चेन की तो नहीं ना हमने आ, पूरी डीएनए चेन से तो नहीं एकदम से आरएनए बना देना उसको हमने कहीं जाके उसे कहने के भाई खत्म हो जाओ बस इतनी चेन ही चाहिए थी चलो काम हो गया निकलो तो जहां तक काम हो जाएगा हमारा जितनी चेन हमें चाहेंगे तो वहां पर जिस तरह स्टार्ट में प्रोमोशन और ट्रांसक्रिप्शन थी तो उसी तरह हमें टर्मिनेशन भी करनी है तो जहां तक आर एन ए बनवाना है जितनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डी एन ए का तो एंड पे क्या होगा चेन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस ठीक है भाई जान अब टर्मिनेशन कर दो बहुत हो गया मजाक ठीक हो गया अच्छा दो और पॉइंट्स इसमें अब कोड ट्रिपलेट क्या होता है और कोडोन क्या होता है कोड ट्रिपलेट क्या होता है कोडोन क्या होता है कोड ट्रिपलेट होता है जी डीएनए का कोड ट्रिपलेट ठीक है यानी कि ट्रिपलेट स्थ्री तीन नाइट्रोजेनस बेसिस का या तीन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस में पड़ पर... <coughs> सॉरी तीन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का या बेसिस का एक खास सीक्वेंस में पड़े होना इज इज अ अ ट्रिपलेट कोड ट्रिपलेट और यह डी एन एना जी जी सी अब जी जी सी के काउंटर पार्ट क्या होंगे जी के साथ देखो क्या बाइंड कर रहे हैं पहले इसके नीचे सी आना चाहिए फिर जी के साथ फिर यहां सी आना चाहिए फिर सी के नीचे यहां जी आना चाहिए तो ये C, C, तो इसका जो उलट है इस कोड का जो उलट है जो काउंटर पार्ट ऑन दी आर एन ए है उसको हम कहते हैं कोड कोडॉन कोड ट्रिपलेट डीएनए में उसका काउंटर पार्ट क्या है कोडॉन तो ये कोड ट्रिपलेट है और ये मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन बन जाएगा दिस इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए हम आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है मैसेंजर आरएनए सो दिस इज कोडॉन ठीक है अब ये क्या काम है भाई इसको डॉन का ये खास सीक्वेंस ऑफ बेसिस और खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का <coughs> ये खास सीक्वेंस ऑफ बेसिस या न्यूक्लियोटाइड डिफाइन करता है कि कौन सा खास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लगेगा या बनेगा ये हम सारा काम क्यों कर रहे हैं डीएनए से आरएनए क्यों बनाया हमने क्योंकि हमने फाइनली आर एन ए से हमने हमने फाइनली आर एन ए से क्या बनानी है प्रोटीन और वो प्रोटीन विल एक्ट एज और स्ट्रक्चरल प्रोटीन और वो एंजाइम आएगा और वो सेल के रिएक्शन को ऊपर नीचे करेगा और सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा तो इस तरह इन एंजाइम्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के जरिए सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस ये मकसद है हमारा फाइनली प्रोटीन बनाना विच इज प्रोटीन प्रोटीन या तो एंजाइम होती है फंक्शनल प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है ठीक है तो हमने प्रोटीन बनानी है और प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है अमाइनो एसिड तो बेसिकली ये ये जो मैसेंजर साहब हैं है ये खास कोड लेके आ रहा है कि भाई हमने कौन सी प्रोटीन बनानी है प्रोटीन नंबर वन बनानी है नंबर टू बनानी है नंबर थ्री बनानी है, है जो भी नाम है प्रोटीन का तो वो प्रोटीन मुख्यलिफ एसिड से मिलकर बनती है और अमाइनो एसिड कौन से कौन से होते हैं दीज आर माइनो एसिड प्रोलीन सीरिन, ग्लूटामिक एसिड ठीक है ये अमाइनो एसिड है अब प्रोलीन तब बनेगा अमाइनो एसिड प्रोलीन तब बनेगा जब मैसेंजर आर एन ए सी सी जी कोड लेके आएगा जब मैसेंजर आर ए सी सी जी का कोड लेके साइटोप्लाज्म में आएगा राइबोसोम के ऊपर आएगा तो फिर प्रो इसका मतलब है कि भाई अमाइनो एसिड की चेन के इस पॉइंट प्रोटीन की चेन के इस पॉइंट पे अमाइनो एसिड प्रोलीन लगा दो फिर अगले कोड में क्या है सीसीजी के बाद यूसीयू UCU, UCU का क्या मतलब है कि प्रोलीन के बाद लगेगी सीरीन उसके बाद क्या है जी ए और आगे अगला ए ने आना था सो एज़ जी ए दैट इज़ ग्लूटामिक एज दैट इज अ कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड तो जब वो मैसेंजर आर एन ए ये मैसेंजर आ रहे ने ये कोड लाया ये मैसेंजर आने पड़ा तो जनाब इधर से आएगा उड़ता हुआ ये अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा ट्रांसफर आ रहे हैं वो वहा कहेगा अच्छा भाई हाँ जी जनाब आप क्या हुक्म लाए न्यूक्लियस से वो कहेगा मैं हुक्म लाया हूँ कि प्रोलिन को पकड़ के लाके के यहाँ पर लगा देगा वो जाएगा ढूंढेगा ये प्रोलीन पड़ी है वो जाएगा भागे 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 जाएगा ये प्रोलिन को उठाएगा ट्रांसफर आ रहे हैं कहेगा ये लो जनाब सर प्रोलिन हाजिर है फिर फिर आएगा ट्रांसफर आने भागता हुआ ठीक है वो कहेगा हाँ जी क्या हुक्म है वो कहेगा आप सीरीन को उठा ले के लेके आओ तो ये जनाब यहाँ पे ये सीरिन सा पड़े, ये जाएगा सीरन को उठाएगा और कहेगा ये लें जनाब सीरिन भी हाजिर है ये अमाइनो एसिड है और फिर इसी तरह जाएगा भागता हुआ कहेगा ग्लूटैमिक एसिड को उठा के लाओ वो ग्लूटैमिक एसिड को लाएगा और यहाँ पर लगा देगा ठीक अब ये तीन अमाइनो एसड और ये सारे मिल बन गए हैं एक प्रोटीन अब ये जो प्रोटीन बन गई है ना अब ये प्रोटीन करेगी अच्छा अब हम तो वही बन गए हैं अब हम जा रहे हैं मुख्तलिफ काम कर रहे हैं वो जाएगा किसी केमिकल ये जाएंगी किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करेंगी किसी को हल्का करेंगी और सारे पंगे करते रहेंगे ठीक है सो दिस वॉज इट डी एन ए डी एन ए से बना आर एन ए और आर एन ए से बना दी हमने प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ को डॉन सी इन नेक्स्ट लेक्चर